हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे अपने बीहाइव बुक से, चैप्टर 1 द फन दे हैड। इस चैप्टर के राइटर हैं इसैक एसिमोव, और राइटर ने इस चैप्टर के थ्रू हमको बताया है कि फ्यूचर में आने वाले स्कूल्स के बारे में, आने वाले स्कूल्स में टीचर्स कैसे होंगे, बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे, उनकी क्लासरूम्स कैसी होंगी, उनकी बुक्स कैसी होंगी, तो इस बारे में इस पूरे चैप्टर में उन्होंने बताया है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में मैं पहले आपको बता दूं कि इसके चैप्टर में जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो है एक मार्जी, जो कि 11 साल की एक बच्ची है, और दूसरा कैरेक्टर है टॉमी, जो कि एक 13 साल का लड़का है और मार्जी का फ्रेंड है। थर्ड कैरेक्टर इज़ मार्जीज मॉम, एंड फोर्थ कैरेक्टर इज़ अ काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर इज़ अ मैन जो कि कंप्यूटर या किसी मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने वाला या उसको सेटअप करने वाला, उसको बोलते हैं काउंटी इंस्पेक्टर। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। मार्जी जो है वो एक रात बैठकर अपने घर पे डायरी लिख रही है, और डायरी में जो डेट लिखी हुई है वो डेट लिखी हुई है 17th of May 2157, और उसके बाद उसने क्या लिखा हुआ है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। इट मीन्स कि उस टाइम पर जो बुक्स हैं वो किस में होती हैं, वो कंप्यूटर्स पे होती हैं, लेकिन टॉमी को जो बुक मिली है उसने रियल बुक उसको इंडिकेट इसलिए किया है बिकॉज द बुक वॉज लाइक वी रीड टुडे, जैसी बुक्स हम लोग आज पढ़ते हैं वो वैसी बुक है, तो उस बुक को उन्होंने रियल बुक बोला है, और जो कंप्यूटर पर बुक होती हैं वो वर्चुअल बुक्स होती हैं, वो रियल बुक नहीं होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर उसने बोला है कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब उस बुक का डिस्क्रिप्शन बता रही है, इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी बुक है वो, और मार्जीज ग्रैंड फादर वन सेड दैट, मार्जी के ग्रैंड फादर ने एक बार उसको बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे तब उनके ग्रैंड फादर ने उसको बताया था कि एक टाइम था जब स्टोरीज जो थी वो पेपर पर प्रिंट की जाती थी, मतलब स्टोरीज को पेपर पर प्रिंट किया जाता था। अब उन्होंने उस बुक को टर्न करना शुरू किया, उसके पेजेस को टर्न करना शुरू किया, जो कि येलोइश थे, येलो पेजेस थे, आपने देखा होगा काफ़ी पुरानी बुक्स होती हैं उनके पेजेस क्या होते हैं, येलो हो जाते हैं, एंड क्रिंकली। क्रिंकली का मीन्स यहाँ पर यह है, जैसे बुक्स में जो कभी कभी कुछ पेजेस में फोल्ड्स हो जाते हैं और उस फोल्ड की वजह से एक लाइन टाइप की बन जाती है, तो उसको इन्होंने बोला हुआ है क्रिंकली। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे देवर सपोज टू। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि उनको वो देख कर पढ़ने में बड़ा ही फनी लग रहा था। क्यों फनी लग रहा था, क्योंकि जो जिस वर्ड को पढ़ रहे थे वो वर्ड वहीं का वहीं रुका हुआ था। अब इट मींस जो उनके टाइम की जो बुक्स हैं, उनके टाइम के जो कंप्यूटर्स हैं, उस पर जिस चैप्टर को या जिस वर्ड को या जिस पेज को वो पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद वो उस कंप्यूटर स्क्रीन से डिसअपियर हो जाता है और अगला वर्ड या अगला चैप्टर स्क्रीन पर अपियर हो जाता है। तो वो उनकी आदत है कि जिस वर्ड को रीड किया वो वर्ड अपने आप डिसअपियर हो गया, बट इन दिस बुक कोई भी वर्ड डिसअपियर नहीं हो रहा था, वो अपनी जगह पर रुका हुआ था, और वो पढ़ने के बाद जब दोबारा वापस आ रहे थे तो वो वर्ड उनको वहीं पर मिल रहा था, क्योंकि इन बुक्स में जो वर्ड्स होते हैं वो डिसअपियर नहीं होते हैं, इसीलिए उनको वो थोड़ा सा फनी लग रहा था। अब टॉमी इस चीज़ को बड़े ही अजीब तरीके से बोलता है, कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब ये वेस्ट है, ये तो बेकार चीज़ है, जब आप एक बुक को पढ़ लेंगे तो फिर आपको उसको फेंकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस बुक में वही एक स्टोरी होगी, कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता, कोई नई स्टोरी नहीं आ सकती, जो आपने रीड कर ली वही की वही बनी रहेगी। लेकिन वो बोलता है अपने टाइम की टेलीविज़न स्क्रीन के बारे में कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन में बहुत सारी बुक्स होंगी, बहुत सारी मिलियंस ऑफ बुक्स होंगी, और बहुत सारी बुक्स को ऐड भी किया जा सकता है, इसलिए इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि टेलीविज़न स्क्रीन को फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मार्जी भी बोलती सेम विद माइन, तो मार्जी बोलती मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैडन्ट सीन एज मैनी एज टेली बुक्स एज टॉमी हैड। अब वो 11 साल की थी और टॉमी जो था वो 13 साल का था, तो मार्जी ने इतनी ज़्यादा टेली बुक्स नहीं देखी होंगी जितनी कि टॉमी ने देखी होंगी। अब वो टॉमी से पूछती है कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमको ये बुक कहाँ से मिली, तो टॉमी बताता है इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अब यहाँ पर एटिक क्या है, वो बताता है कि मेरे घर में एटिक पर मुझे ये बुक मिली है। घर में आप लोगों ने देखा होगा घरों की छतों के नीचे कुछ सामान रखने के लिए जगह बना दी जाती है, जिसको कि हम लोग अपनी घर की भाषा में टांड़ बोलते हैं, वो उस टाइप में एक जगह है जहाँ पर सामान रख दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं एटिक। तो ये बताता है कि मुझे ये बुक उस एटिक में मिली।
तो फिर मार्जिप होती है व्हाट इज़ अबाउट इट, ये किस बारे में है। तो टॉमी बताता है ये एक स्कूल के बारे में। अब मार्जी इस चीज़ को बड़े ही बुरे नज़रिए से देखती है कि स्कूल क्यों, बिकॉज मार्जी जो थी स्कूल को बहुत ज़्यादा हेट करती थी। मार्जी बोलती है ऐसा क्या है स्कूल के बारे में लिखने का, ऐसा क्या है कि स्कूल के बारे में लिखा जा सके, आई हेट स्कूल। वो नफ़रत करती थी स्कूल से। अब इसका रीज़न भी है कि मार्जी स्कूल से नफ़रत क्यों करती थी, वो हमेशा से करती रही क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता था, और अब तो वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगी थी। इसका भी रीज़न था, जो मैकेनिकल टीचर था इसका, वो उसको लगातार टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था ज्योग्राफी सेक्शन में, और ये लगातार ख़राब पे ख़राब करती चली जा रही थी, वर्स पे वर्स उसका जो परफॉर्मेंस था ज्योग्राफी में वो दिन पे दिन ख़राब होता चला जा रहा था। फिर एक दिन उसकी मदर ने फाइनली परेशान होने होकर उसने क्या हुआ, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया। अब काउंटी इंस्पेक्टर मैंने आपको बताया कौन होता है, जो कि कंप्यूटर या मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करता है। तो काउंटी इंस्पेक्टर आया। अब काउंटी इंस्पेक्टर का जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह से है कि वो एक छोटा सा आदमी है, उसका लाल मुंह है, और उसके साथ एक टूल बॉक्स है। उस टूल बॉक्स में डायल एंड वायर्स मतलब इसके जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे उसके उस बॉक्स में रखे हुए थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल। और वो आया, उसने आकर मार्जी को मार्जी की तरफ देखकर वो स्माइल किया और उसने उसको एक एप्पल दिया। देन ही टुक द टीचर अपार्ट। और उसके बाद उसने उस मैकेनिकल टीचर को उठाया और लेकर चला गया। जब वो मैकेनिकल टीचर को लेकर गया तो मार्जी का सोचना ये था कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है ये इस मैकेनिकल टीचर को ठीक नहीं कर पाएगा, वो उसका सोचना ये था, और वो मानती थी कि अब ये मैकेनिकल टीचर वापस आएगा ही नहीं। लेकिन उसका सोचना गलत था। क्यों? क्योंकि काउंटी इंस्पेक्टर जो था उसको हर चीज़ के बारे में पता था, और उसने एक घंटे के अंदर उस मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया और वापस ले आया। अब मार्जी के सामने फिर से वही एक ब्लैक स्क्रीन, मतलब जिसको कि वो बड़ा ही अगली मानती थी, बड़ा ही बुरा मानती थी, एक बड़ी ब्लैक स्क्रीन उसके सामने रखी हुई थी जिस पर कि उसके लेसन्स, उसके क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। ये भी उतना बुरा नहीं था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मार्जी जिस चीज़ को हेट करती थी वो था वो एक स्लॉट। कौन सा स्लॉट? एक ऐसा स्लॉट था जहाँ पर उसको अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर्स सबमिट करने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। और ये सारी चीज़ें जो कि इसके टेस्ट पेपर्स थे, जो होमवर्क्स थे, उसको किस तरह से लिखने होते थे, उसको पंच कोड्स में लिखने होते थे, और ये पंच कोड्स उसको जब वो छोटी बच्ची थी 6 साल की तब उसको ये सारी चीज़ें सिखाई गई थी। अब वो ये सारे टेस्ट पेपर्स और होमवर्क जो है उन उस स्लॉट में सबमिट करती है। उसके बाद जो मैकेनिकल टीचर है वो उसके टेस्ट पेपर्स का चेक करता है और उसके मार्क्स कैलकुलेट करके उसको बहुत ही जल्दी तुरंत ही बता देता है। तो ये चीज़ मार्जी को और भी ज़्यादा बुरी लगती थी। फिर उसके बाद जो इंस्पेक्टर था उसने मार्जी को देखकर दोबारा से मुस्कुराया और उसके सर पे हाथ फिराया, और उसके बाद मार्जी की मदर से बोला कि मिसिस जोन्स, ये इस बच्ची की गलती नहीं है, ये गलती इस मैकेनिकल टीचर की है, क्योंकि इसमें जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा सा तेज़ हो गया था इसके एज के हिसाब से, ये थोड़ा सा तेज़ था और ऐसा कभी कभी हो जाता है, इसलिए मैंने अब क्या किया है, मैंने 10 ईयर के लेवल पे इसको सेट कर दिया है। मतलब कि जो ज्योग्राफी सेक्टर जो कि इसको इसकी स्पीड ज़्यादा थी मार्जी के एज लेवल के हिसाब से, उसको उसने कुछ स्लो कर दिया था, 10 साल के लेवल पर लगा दिया जिससे कि मार्जी आसानी से उसको कर सके। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और बोलती है कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और उसने दोबारा से मार्जी के सर पे हाथ फिराया और वहाँ से चला गया। अब मार्जी इस चीज़ के बाद बड़े ही डिसअपॉइंटेड थी। क्यों डिसअपॉइंटेड थी? क्योंकि पहले बताया कि वो सोच रही थी कि ये काउंटी इंस्पेक्टर जो है इसको ठीक नहीं कर पाएगा, और ये जो मैकेनिकल टीचर है ये वापस नहीं आएगा। और उसका सोचना कहीं ना कहीं सही भी था, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था टॉमी की टीचर के साथ। टॉमी का टीचर जो था उसमें भी कोई प्रॉब्लम आई हुई थी, उसके हिस्ट्री सेक्टर जो था वो ब्लैंक आउट हो गया था पूरी तरीके से, और काउंटी इंस्पेक्टर जब आया था तो उसको लेकर गया था, और वो 1 महीने तक वापस नहीं आया था, 1 महीने बाद वापस आया था। तो इसलिए मार्जी भी ऐसे ही कुछ सोच रही थी कि उसका भी मैकेनिकल टीचर जो है वो जाएगा तो 1 महीने बाद वापस आएगा। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मार्जी जो थी वो इस मैकेनिकल टीचर को हेट करती थी, अपने स्कूल को हेट करती थी। तो इसीलिए उसने टॉमी से बोला कि कोई किसी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल के बारे में लिखने वाली कोई बात ही नहीं है। तो अब टॉमी जो था
क्योंकि टॉमी बड़ा था और अपने आप को थोड़ा सा उससे सुपीरियर समझता था, तो वो बड़े ही सुपीरियर आइज से उसने उसकी तरफ देखा और बोलता है कि लेकिन वो जो स्कूल थे वो हमारे टाइप के स्कूल नहीं थे, ये पुराने काइंड के स्कूल थे, पुराने टाइप के स्कूल थे और ये कई सौ सालों पुराने हुआ करते थे। और बड़ी ही बुलंद आवाज़ में और उसके प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही आवाज़ को बढ़ाते हुए बोलता है सेंचुरीज अगो, मतलब कि सेंचुरी मींस अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, कई सौ साल पहले की बात है ये, और उस टाइम पर ऐसे स्कूल हुआ करते थे। मार्जी उसकी उस आवाज़ को सुनकर, उसके बोलने के तरीकों को सुनकर वो थोड़ा सा हर्ट हो गई, लेकिन फिर भी उसने उससे पूछा, उसने उससे बोला, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। तो वो बोलती है मुझे नहीं पता कि उस टाइम पर किस तरह के स्कूल हुआ करते थे। और वो टॉमी के कंधे के ऊपर से धीरे धीरे कोशिश कर रही थी उस बुक को पढ़ने की, और साथ ही साथ बोलती है कि खैर कुछ भी हो उनके पास एक टीचर तो था। तो टॉमी बोलता हाँ बिल्कुल उनके पास टीचर था, लेकिन वो एक कोई रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर यहाँ पर रेगुलर का मीन्स है नॉर्मल टीचर, जैसे कि उन लोगों के टीचर थे उनके लिए नॉर्मल टीचर कैसा था, मैकेनिकल टीचर उनके लिए नॉर्मल था, तो ये जो कि ह्यूमन टीचर है वो उनके लिए नॉर्मल नहीं था। आप लोगों के लिए नॉर्मल टीचर कौन से होंगे, जो अभी आप लोगों को पढ़ाते हैं वो आपके लिए नॉर्मल टीचर हैं, रेगुलर टीचर हैं, लेकिन उनके लिए ये वाले टीचर रेगुलर टीचर नहीं, उनका रेगुलर टीचर कौन है, मैकेनिकल टीचर। तो ये वही बताता है कि इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, वो रेगुलर टीचर नहीं थे, इट वॉज अ मैन, एक वो एक आदमी हुआ करता था, वो एक इंसान हुआ करता था जो कि उनको टीच करता था। तो मार्जी बड़े ही सरप्राइज वे में बोली अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो बोलती एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। तो फिर टॉमी बोलता है वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। तो बोलता है कि हाँ ऐसा होता था, और वो स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें बताता था और उनको होमवर्क भी देता था और साथ ही साथ उनके क्वेश्चंस भी पूछता था। तो मार्जी बोलती है अ मैन इजेंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना समझदार कैसे हो सकता है। तो टॉमी बोलता है क्यों नहीं हो सकता है, ऐसे होते थे, मेरे फादर हैं, मेरे फादर इतने स्मार्ट हैं कि हमारे टीचरों के बराबर हैं और उनको लगभग उतना ही पता है जितने हमारे टीचरों को पता है। और लास्ट में बोलता है आई बेचा, आई बेचा का मीन्स मतलब कि इसको टू बेट, शर्त लगाने को फास्ट लैंग्वेज में आई बेचा बोल दिया, इसका मतलब कि वो बिल्कुल एकदम श्योर था कि उसके फादर को उनके जो मैकेनिकल टीचर उसके बराबर ही नॉलेज है। मार्जी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, अब मार्जी जो थी उससे इस बहस में पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो वो बोल देती है तुरंत ही कि आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो वो बोलती है मैं एक किसी भी स्ट्रेंजर को, स्ट्रेंज मैन को अपने घर में खुद को पढ़ाने के लिए नहीं बुलाऊंगी। तो टॉमी बड़े ज़ोर से ठहाका मार के हंसता है और बोलता है यू डोंट नो मच मार्जी। वो बोलता है कि तुमको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन दिस हाउस। तो वो बोलता है कि जो टीचर्स थे वो घरों पर नहीं आते थे, घरों पर नहीं पढ़ाते थे, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और वहाँ पर सारे बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए। तो मार्जी बोलती है एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। मार्जी पूछती है कि सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। तो टॉमी बताता हाँ एक ही चीज़ पढ़ते थे अगर वो एक ही एज के हैं तो। तो मार्जी बोलती बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड। उनकी मदर का मानना था, मार्जी की मदर का मानना था कि टीचर को बच्चे की एज के हिसाब से, उसके माइंड के हिसाब से एडजस्ट किया जाना चाहिए और हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि हर बच्चे का माइंड अलग होता है। और ये मानना किसका था, मार्जी की मॉम का। तो टॉमी बोलता जस्ट द सेम थिंग दे डिडेंट डू इट दैट वे देन। बोलती है कि हाँ वही बात है लेकिन वो इस तरीके से नहीं करते, तो उनका करने का तरीका कुछ और अलग है। और बड़ा ही झल्लाहट उसमें जो टॉमी था वो मार्जी से बोलता है अगर तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। तो मार्जी तुरंत ही बोली नहीं नहीं मैंने, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। मार्जी जो थी, मार्जी उन स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी, उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वॉरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड। मार्जी स्कूल अभी उनकी बातें आधी भी नहीं हो पाई थी तभी मार्जी की मदर ने उसको बुलाया और बोला मार्जी चलो स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी ने ऊपर देखा और बोली कि नहीं मम्मा अभी थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन मिसेस जोन्स जो कि उसकी मदर थी बोली नहीं मार्जी चलो अभी, और शायद यही टाइम टॉमी के स्कूल का भी हो गया होगा, इसलिए आप दोनों लोग चलिए। तो मार्जी और टॉमी दोनों लोग चल दिए। तो मार्जी ने फिर टॉमी से बोला कि क्या मैं इस बुक को
और पढ़ सकती हूँ आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में दोबारा आपके साथ ये बुक पढ़ सकती हूँ? तो टॉमी ने बोला मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली। अब इसका मतलब क्या हुआ नॉन चैलेंटली का? इसका मतलब उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था बुक पढ़ाने में, लेकिन उसने बस ऐसे ही बोल दिया कि हाँ ठीक है देखेंगे पढ़ सकती हूँ, और वो वहाँ से बुक को लेकर चला गया। मार्जी वेंट इन द स्कूल रूम। अब मार्जी जो थी वो अपने स्कूल रूम में पहुँच गई। अब मार्जी का स्कूल रूम कैसा था, कहाँ था? इट वॉज़ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्जी का स्कूल जो था ठीक उसके बेडरूम के बगल में था, और जो उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन हो चुका था और उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो जो इनका मैकेनिकल टीचर था वो इस टाइम पर अपने आप ही ऑन हो जाया करता था, केवल सैटरडे और संडे को छोड़कर। क्यों? क्योंकि इसका भी एक रीज़न था। उसका रीज़न ये था कि जो मार्जी की मदर थी उनका मानना ये था कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अगर रेगुलर टाइम से पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं, इसलिए मैकेनिकल टीचर को सेट कर दिया गया था, वो अपने टाइम से ऑन हो जाता था। अब जो मैकेनिकल टीचर थी, मैकेनिकल टीचर जो था उसकी स्क्रीन लिट अप हो गई, मतलब कि जल गई, उसके अंदर से लाइट आ गई, एंड इट सेड, और उसने तुरंत ही बोला कि टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो वो उन्होंने मैथ पढ़ाना शुरू किया मैकेनिकल टीचर ने, और मैथ्स में उन्होंने फ्रैक्शंस का एडिशन के बारे में बताना शुरू किया। और फिर उसने बोला प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और उसने मार्जी से बोला कि अपने कल का होमवर्क जो दिया गया था वो प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करे। तो मार्जी ने बस उसकी बात को सुनकर वही काम किया, बड़ी ही गहरी सांस लेते हुए, और उसने अपना होमवर्क स्लॉट में इंसर्ट कर दिया। लेकिन वो सोच रही थी किस बारे में? शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब वो उन स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जो स्कूल उसके ग्रैंडफादर के टाइम पर हुआ करते थे, वो उन स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। वो सोच रही थी कि सारे बच्चे, आसपास के सारे बच्चे हंसते हुए शोर मचाते हुए स्कूल के अंदर आते होंगे, एक साथ एक स्कूल रूम में बैठते होंगे, छुट्टी होती होगी तो उसके बाद फिर वो लोग एक साथ घर जाते होंगे, और वो एक ही चीज़ पढ़ते होंगे, और एक ही चीज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा होता होगा उनको कि अगर होमवर्क के दौरान अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल। और ये भी सोचने लगी कि जो टीचर्स हुआ करते थे वो ह्यूमन बीइंग्स हुआ करते थे, लोग हुआ करते थे जो पढ़ाते थे, फिजिकली उनके सामने खड़े होकर पढ़ाते थे। और ये सारी चीज़ें वो सोचती जा रही थी, और उसके सामने जो मैकेनिकल टीचर था वो अपना फ्रैक्शंस का एडिशन उसको समझा रहा था कि 1/2 प्लस 1/4 किस तरह से होना है, वो सारी चीज़ें मैकेनिकल टीचर ना उसको पढ़ाने में लगा हुआ था। लेकिन मार्जी तो बस यही सोच रही थी कि उस टाइम पर बच्चे किस तरह से पढ़ते होंगे, कितना मज़ा आता होगा उनको पढ़ने में, और कितना वो लोग फ़न करते होंगे इस पढ़ाई के दौरान। तो ये चैप्टर आपके यहीं ख़त्म है, और इस चैप्टर में इसे एसिमोव जी ने आपको बताया कि जैसे आजकल के बच्चे स्कूल जाने में बोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं बुक्स में, इंटरेस्ट नहीं रखते हैं टीचर्स में, इंटरेस्ट नहीं रखते हैं आजकल स्कूल्स में, तो ये फ्यूचर की बात बताई कि फ्यूचर वाले बच्चे आज के स्कूल्स को कितना पसंद करने वाले हैं। इसलिए उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है और आपको बताया है कि इस स्कूल को आगे आने वाली जनरेशंस कितना मिस करने वाली हैं। तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद आप इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं? क्वेश्चन बन सकते हैं कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, और वॉट इज़ द एज ऑफ मार्जी, वॉट इज़ द एज ऑफ टॉमी, एंड वॉट सब्जेक्ट्स वर टॉट ड्यूरिंग द स्कूल इन दैट टाइम। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ मैं चैप्टर फिनिश करता हूँ। थैंक यू। स्टे हेल्दी।